हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम फिर से बनाते हैं लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस। तो ये हम 6 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बनाएंगे। तो जिसके लिए मैंने ये एक प्लेन फैब्रिक लिया है और एक नेट में। तो ये हमारा कॉटन में है और ये नेट है। तो ये हम बहुत ही सिंपल और हल्की ड्रेस बनाएंगे गर्मी के लिए, जिससे लड्डू गोपाल को गर्मी नहीं लगे। तो चलिए, ये मैंने घेरे के लिए फैब्रिक काट रखे हैं। तो चलिए मैं आपको इनकी लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ। तो ये देखिए, इसकी चौड़ाई है 4 इंच और लंबाई मैंने इनकी 45। तो ये हमारा थोड़ा सा फालतू है, तो इसे हम यहाँ से कट कर देते हैं। तो इसकी लंबाई 45 इंच और चौड़ाई 4 इंच है। और आपको मैं इसकी भी लंबाई चौड़ाई बता देती हूँ। तो इसकी भी लंबाई 45 इंच है और चौड़ाई 4 इंच है। ये देखिए, 4 इंच से थोड़ी फालतू है। और इसकी लंबाई भी हम 45 इंच लेंगे। तो ये देखिए, ये भी हमारे थोड़ा फालतू है, तो इसे भी हम कट कर लेते हैं। तो ये हमारे दोनों की लंबाई चौड़ाई बराबर है। तो प्लीज़, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले हम नेट को इस प्लेन वाले फैब्रिक में जोड़ेंगे। तो ये देखिए, हम इस तरह से नेट को एक बार फोल्ड करेंगे, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे हम इस तरह से रख के इसमें यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ से हम इसी तरह से इसे सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पे इसे इसमें अटैच कर लिया है। और यहाँ पे हमने साइड से भी फोल्ड करके सिलाई लगाई है। तो ये हमने दोनों तरफ से इस तरीके से सिलाई लगा ली है। तो ये देखिए, अब हमें घेरे के लिए प्लेटें डालनी है। तो ये देखिए, हम घेरे के लिए प्लेटें इस तरह से डालेंगे। तो प्लेटें हमें बहुत ही पास पास और बहुत छोटी छोटी डालनी है। ये देखिए, इस तरह तरीके से हमें प्लेटें बहुत पास पास और बहुत छोटी छोटी डालनी है। तो ये देखिए, हमें इस तरीके से सारी प्लेटें डालनी है। और ये हमारे प्लेटें डालते हुए बीच में घेरे की चौड़ाई 6 इंच होनी चाहिए। तो चलिए, इसी तरीके से हम प्लेट डालते हैं। ये देखिए, हमारा घेरा कंप्लीट हो गया है। तो अब हमें चोली बनाने के लिए चाहिए, ये देखिए इस तरह की हमें चोली बनाने के लिए 2 पट्टियाँ चाहिए। ये देखिए, तो इनकी मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ। तो ये देखिए, इसकी चौड़ाई है 1.5 इंच और लंबाई ये देखिए 18 इंच। 18 इंच से थोड़ी फालतू है। तो इसकी लंबाई 18 इंच है और चौड़ाई 1.5 इंच है। तो अब हमें क्या करना है, तो ये देखिए, इस तरह से हम
कपड़े की पट्टी को फोल्ड करेंगे, ये देखिए, और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरह से हम दोनों पट्टियों में सिलाई लगा लेते हैं। हमने दोनों पे सिलाई लगाई है, तो अब हमें इन्हें सीधा करना है, तो इन्हें हम सीधा कर लेंगे दोनों पट्टियों को। तो ये देखिए, हमने पट्टियों को इस तरह से सीधा कर लिया है। तो अब हम इनमें, ये देखिए, इस तरह से छोटी छोटी प्लेट डालेंगे ऐसे, इस तरह से हम सारे में प्लेट डाल लेते हैं दोनों में। ये देखिए, इसी तरह से हम छोटी छोटी प्लेट डालेंगे। तो ये देखिए, हमने इस तरह की चुनटे बना ली है। तो अब हमें चाहिए, ये देखिए, हमने नेट में से इस तरह का टुकड़ा काटा है, काट लेंगे। तो इसकी आपको मैं लंबाई और चौड़ाई दोनों बता देती हूँ। ये देखिए, इसकी लंबाई है, ये देखिए, 3 इंच, और चौड़ाई भी इसकी 3 इंच है। तो ये दोनों तरफ से 3 इंच है। तो अब हमें, ये देखिए, यहाँ पे हम एक तरफ इस तरह से लेस लगा देंगे यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक हम लेस को लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लेस को लगा लेते हैं। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे लेस को लगा लिया है। तो अब हमें इन्हें यहाँ पे इस तरह से इस पे रख के यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे दोनों तरफ से। तो ये देखिए, हम यहाँ से दोनों तरफ से सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी चोली बनकर तैयार है। तो ये देखिए, अब हम इसे घेरे में टच करेंगे। तो सबसे पहले हम घेरे में अब डोरी लगाएंगे। तो ये देखिए, डोरी लगाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले, ये देखिए, इस तरीके के 1.5 इंच चौड़ाई में हमें कपड़ा चाहिए। तो 1.5 इंच की हम इस तरह की एक पट्टी काट लेंगे। तो पट्टी हमें इसके बराबर चाहिए, जितना बड़ा हमारा घेरा है, तो उतनी बड़ी हमें 1.5 इंच चौड़ी पट्टी चाहिए। तो ये हमारी फालतू है, तो इसे हम बाद में कट कर लेंगे। तो चलिए, हम इसे घेरे में सिलते हैं। तो ये देखिए, सिलने के लिए हमें पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे, और यहाँ पे हम इस तरह से रख के घेरे में यहाँ तक हम पूरा सिल लेंगे। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक हम घेरे में इसे सिल लेते हैं। ये देखिए, हमने कपड़े की पट्टी को घेरे में सिल दिया है। तो अब हम इसमें, ये देखिए, यहाँ से हम डोरी डालेंगे। तो डोरी हम सेफ्टी पिन से डालेंगे इस तरीके से। अगर आपके पास इस तरह की डोरी ना हो, तो आप हाथ से सिलकर भी बना सकती हैं। तो इस तरीके से हम इसमें डोरी डाल देंगे। ये देखिए, हमने इसमें डोरी डाल दी है। तो इस तरह का फंदा हम इस तरफ भी लगा लेंगे, और यहाँ पे हम एक सिलाई और लगाएंगे ऊपर। ये देखिए, यहाँ से एक सिलाई हम और लगा लेते हैं। ये हमारा घेरा बनकर कंप्लीट है। तो अब हम इसमें चोली को जोड़ेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हम यहाँ पे घेरे के बीच में दोनों तरफ से बीच में यहाँ पे चोली को इस तरह से सिल देंगे। तो या तो आप इस तरह से नीचे रख के यहाँ पे सिलाई लगा देंगे चोली में, या फिर आप, ये देखिए, इस तरह से भी रख के बीच में सिलाई लगा सकते हैं। तो दोनों तरफ से हम चोली को इसमें जोड़ सकते हैं। तो चलिए, हम चोली को जोड़ लेते हैं।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे चोली को घेरे में इस तरह से टच कर दिया है, और यहाँ पे हमने पीछे से भी इन्हें यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे टच किया है। ये देखिए, तो ये हमारी ड्रेस बनकर तैयार है। तो ये देखिए ये कितनी प्यारी लग रही है, और ये लड्डू गोपाल को बहुत पसंद आएगी। तो ये देखिए, ये हमने लड्डू गोपाल की कमर में बांधने के लिए इस तरीके से पहनाने के बाद हम इन्हें इस तरीके से यहाँ पे बांध देंगे। ये देखिए, तो ये हमारी ड्रेस कितनी सुंदर लग रही है। तो प्लीज़ अगर आपको हमारी ड्रेस पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको लड्डू गोपाल की ड्रेस कैसी लगी।